सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड मोबाइल कैफे चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूँ फिर से आप सबका आज के एक और नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप सबों के बीच आज एक और नए वीडियो को लेकर। और आज का यह वीडियो खास तौर से जितने भी VI पर्सन है, ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड, उन लोगों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ हर समय नोटों को पहचानने में बहुत सारे समस्याएं आती रहती है। तो इस कारण हम नोटों की पहचान करने में हमें बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और बहुत से एप्लीकेशन हमारे लिए हैं, मगर वो एप्लीकेशन हमारे लिए उतना ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। और बहुत से एप्लीकेशन एक्सेसिबल हैं भी तो उन्हें खरीदना पड़ता है, वो पैड है। तो इस प्रकार से हम नोटों की पहचान आसानी से नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें आसपास लोगों को भी दिखाना पड़ता है कि ये कितने का नोट है। बस इन सब का चीज़ों का हमें सामना करना ही पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अब आपके सामने इन सब समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और उसी एप्लीकेशन के विषय में हम आज जानेंगे। और उस एप्लीकेशन से हम बहुत ही आसानी से किसी भी नोट को पहचान कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल है और धीरे धीरे उस पर और भी कार्य चल रही है, और बहुत ही आसानी से आप किसी भी नोट को आसानी से पहचान कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अब आप भी किस प्रकार से नोटों की पहचान कर सकते हो। पूरा मैं 100% प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। अभी नोटों की पहचान मैं आपके सामने करूँगा और आप देख पाओगे कि आप किस प्रकार से किसी भी नोटों की पहचान कर सकते हो। सो चलिए बिना समय गवाए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको डाउनलोड करने में अगर कुछ समस्याएँ आती हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पर्सनल तौर से मांग सकते हो। मैं वहां पर आपको यह लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस एप्लीकेशन का नाम और इसका क्या काम है उसे अब हम देखते हैं। तो एप्लीकेशन का नाम है CDI। CDI इसे आपको इंस्टॉल करना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और उसके बाद आपको यहाँ ओपन करना है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। प्लीज गिव परमिशन फॉर माइक टू एक्सेस वॉइस कमांड फीचर एंड कैमरा टू स्कैन इंडियन बैंक नोट्स। कृपया माइक को एक्सेस करने के लिए वॉइस कमांड फीचर तथा भारतीय बैंक नोटों को स्कैन करने के लिए कैमरा को अनुमति दें। तो यहाँ पर कैमरा और माइक की अनुमति मांगी है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों को अलाउ करना है। तो यहाँ पर आपको अलाउ का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके इसे अलाउ करना है। तो मैं लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता हूँ और अलाउ के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो इसे भी अलाउ करना है। इस प्रकार से अलाउ हो चुका है। वेलकम टू CDI एप्लीकेशन। यू कैन चूज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज by pressing the button or by using voice command. To activate voice command, press the button present at the bottom of the screen. CDI application में आपका स्वागत है। आप बटन दबाकर तथा voice command का उपयोग करके अंग्रेजी अथवा हिंदी भाषा का चयन कर सकते हैं। Voice command को activate करने के लिए screen के नीचे के बटन को दबाएं। Select language. तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो चाहो वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फीचर है, यहाँ पर आप अपना वॉइस कमांड भी सेट कर सकते हो। तो चलिए उसे मैं बाद में करता हूँ, पहले अपना लैंग्वेज सेट कर लेता हूँ। तो आप चाहो हिंदी या इंग्लिश कुछ भी सेट कर लो, तो मैं हिंदी करता हूँ। हिंदी भाषा को चुनने के लिए इस बटन पर प्रेस करें, इस प्रकार का यहाँ पर बटन है, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। हिंदी भाषा चुनी है, कृपया अपनी अशुद्धता की पुष्टि करें। एक, दृष्टि बाधित। दो, दृष्टि तथा सुनने में बाधित। तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप स्क्रीन पर दिए गए बटन को दबाकर अथवा वॉइस कमांड का उपयोग करके अपनी अशुद्धता का चयन कर सकते हैं।
वॉइस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए स्क्रीन के नीचे के बटन को दबाएं। तो यहाँ पर हमें इसे सिलेक्ट करना है दृष्टिबाधित, तो आप जो भी जिस कैटेगरी से हो तो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, मैं पूरा 100% ब्लाइंड हूँ, तो यहाँ पर दृष्टिबाधित शेयर करता सिलेक्ट करता हूँ। दृष्टिबाधित को चुनने के लिए बटन दबाएं। तो देखिए यहाँ पर बटन मिला, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो हमने हिंदी भाषा सिलेक्ट किया है, इसलिए सारा कुछ यहाँ हिंदी में ही लिखा हुआ मिलेगा। आपने दृष्टिबाधित अक्षमता चुनी है। हमारा सुझाव है कि आप टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग को हिंदी में बदल दें। सर्वोत्तम नतीजे हेतु बैंक नोट को पीछे की रियर कैमरे के सामने लगभग 5 से 7 इंच की दूरी पर रखा जा सकता है। वॉइस कमांड का उपयोग करके अन्य स्क्रीन पर नेविगेट करने हेतु आप स्क्रीन के नीचे मौजूद बटन पर टैप कर सकते हैं। अन्य स्क्रीन पर जाने के लिए आप कीबोर्ड सेटिंग मेन्यू हेल्प होम तथा हिस्ट्री बोल सकते हैं। कृपया स्कैन करें। तो देखिए इस प्रकार से सारा कुछ इन्होंने आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस बताने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको जिस प्रकार से प्रयास करें, टेबल पर आपको मोबाइल को रखना है और उसे रखने के बाद कैमरे को ऊपर की ओर रखना है और नोट को अपने इस कैमरे से 5 या 7 इंच की दूरी पर रखना है, पूरे चौड़े में पूरा खुला नोट रखना है और प्रयास करें, आप आसानी से इसे पहचान भी कर पाओगे। तो चलिए इस प्रकार से सारा सेटिंग हो गया और अब मैं नोटों की पहचान करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, तो पहले मैं मोबाइल को रख देता हूँ इस मेरे सामने के टेबल पर। तो इस प्रकार से प्रयास कर दिया और यहाँ नोट, एक नोट है हमारे पास, देखता हूँ ये कितने का है। तो इसे रखता हूँ कैमरे के सामने। 20 रुपये। तो देखिए 20 रुपये पूरे में नोट को चौड़ा करके रखा हूँ पूरे खुले में और मैं इसे पलट कर देखता हूँ ये उल्टा करके, तो इधर से क्या इसे कैप्चर कर पाता है या फिर नहीं। 20 रुपये। तो ये देखिए 20 रुपये, तो बहुत ही एकदम सही यहाँ पर पहचान हो जा रहा है। तो मेरे पास कुछ और भी नोट है, तो उनको भी मैं दिखाता हूँ जरा। तो इस प्रकार से ये नोट है, पुनः प्रयास, ये जरा छोटा लग रहा है तो मुझे लगता है ये 10 का ही होगा, तो शायद 50 का नोट होगा। 50 रुपये। हाँ बिल्कुल सही, ये नया वाला नोट है 50 का। तो देखिए ये नोट मुझे बहुत ही छोटा लग रहा है छूने में, तो इससे मैं कंफ्यूज भी हो सकता हूँ कि शायद ये 10 का नोट होगा और मैं शायद कहीं पर दे भी देता दुकान में। प्रयास करें। अगला नोट दिखाता हूँ आपको, 100 रुपये। देखिए ये 100 रुपये। तो इस प्रकार से हमारा सारा नोट पहचान कर रहा। तो मेरे पास एक और नोट भी है, उसे भी मैं देखता हूँ कितने का ये, 2000 रुपये। देखिए ये 2000 का नोट, बहुत ही अच्छे से इसको पहचान हो रहा है। और इस प्रकार से फिर से मैं उल्टा करके इसे देखता हूँ और पुनः प्रयास करें। हाँ तो आपको हाँ, तो इस प्रकार से आपको जो आपका कैमरा है कैमरे के सामने आपको नोट को रखना होगा और स्क्रीन मतलब आपका जो कैमरा है कैमरे से 5 या 7 इंच की दूरी पे नोट को सीधा रखना है, तो इससे आप बहुत ही आसानी से इसकी पहचान कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पर 2-3 कुछ बटन मिलते हैं, इस प्रकार से आपने देख लिया होगा कि आसानी से आप इस एप्लीकेशन के मदद से नोटों की पहचान कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्लैश आपका ऑन है, तो आप चाहो तो यहाँ पर फ्लैश लाइट ऑफ कर सकते हो। तो इसके लिए टॉर्च बंद, देखिए इस पर क्लिक किया हमारा फ्लैश लाइट ऑफ हो गया। वॉइस कमांड, देखिए वॉइस कमांड का भी एक यहाँ पर बटन है, इस देखता हूँ इसका क्या काम है, इसे भी आपको दिखाता हूँ। अन्य स्क्रीन पर जाने के लिए बीप के बाद कमांड दें। अन्य स्क्रीन, क्षमा करें हम आपको प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, अन्य स्क्रीन पर जाने के लिए बीप के बाद कमांड दें। तो देखिए वॉइस कमांड कुछ ऐसा कमांड नहीं है, इसका कमांड आपको यहां पर देखना होगा।
अन्य स्क्रीन पर जाने के लिए बीप के बाद कमांड दें। होम। क्षमा करें, हम आपको प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। अन्य स्क्रीन पर जाने के लिए बीप के बाद कमांड दें। खैर कोई नहीं, आप इसके कमांड को देख लेना, क्या कमांड है, किस स्क्रीन पर आपको जाना है। तो इसका इस्तेमाल नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारे ये एप्लीकेशन नोटों की पहचान बहुत ही अच्छे से कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा आप जरूर बताना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर इसे इंस्टॉल करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे पर्सनल चैट पर भी मांग सकते हो। तो चलिए अब दीजिए मुझे इजाज़त, और मिलता हूँ फिर से किसी अगले दिन अगले वीडियो को लेकर। बाय बाय।